नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के संबंध में लगातार फ़ोन आ रहे हैं और कई प्रकार की बातचीत पूछी जा रही है। हालांकि मैंने अपने YouTube चैनल पर एक पहले वीडियो इस संबंध में बनाया हुआ है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें, लेकिन थोड़ा सा पाठ्यक्रम में बदलाव आया है और पाठ्यक्रम में बदलाव को देखते हुए और कुछ मुझे लगता है कि पिछली जो परीक्षाएँ दो हुई हैं, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, इन दो परीक्षाओं को देखते हुए भी हमें थोड़े से अपने माइंड सेट में बदलाव करने चाहिए। इसलिए थोड़ी थोड़ी चर्चा और बहुत संक्षेप में मैं चर्चा आज आपके साथ करूंगा कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अगर हम पूरे पाठ्यक्रम को देखें तो तीन भागों में हिंदी का जो पाठ्यक्रम वो विभाजित होता है, उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर। एक गड़बड़ी यह भी रही कि पिछली बार जो RPSC ने पेपर लिया या जो अपना पाठ्यक्रम वेबसाइट पे अपलोड किया उसमें अंक विभाजन नहीं था। इससे पहले यह निश्चित था कि 55% वो उच्च माध्यमिक स्तर से आते हैं, 55% वो स्नातक स्तर से आते हैं और 10% स्नातकोत्तर स्तर से आते हैं। पिछली बार इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हुई और बहुत से विद्यार्थियों को इसका खामियाजा या फ़ायदा भी मिला। मनोविज्ञान जिनका कमज़ोर था उनको फ़ायदा मिला और जिनका मनोविज्ञान बहुत अच्छा था उनको 22% हिस्से में आए। तो इस प्रकार की कई दिक्कतें रहती हैं, लेकिन बहरहाल हमें इन सब बातों के बीच ही अपना रास्ता निकालना होता है। इसलिए हम जो परिस्थितियां जब तक अंक विभाजन नहीं आता है उसके हिसाब से कैसे तैयारी करें और कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकों से तैयारी करें, मैं मेरे हिसाब से जैसे मेरी मति और योग्यता है मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से भी अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की बात करें तो उच्च माध्यमिक स्तर में दो तीन चीज़ें हैं। उच्च माध्यमिक स्तर में जो पहला बिंदु है वो असल में व्याकरण का है। तो मुझे लगता है कि व्याकरण के लिए, हालांकि ऐसे तो व्याकरण रीट पढ़ पढ़ के और थर्ड ग्रेड का पेपर दे के सेकेंड ग्रेड का पेपर दे के पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों का व्याकरण काफ़ी मजबूत हो चुका है। जब कई बार एक ही परीक्षा बार बार होती हो तो मुझे लगता है कि उस पाठ्यक्रम को वो 10-10 बार पढ़ चुके होंगे। लेकिन फिर भी जो व्याकरण है, व्याकरण के लिए आप एक तो जो नवीन व्याकरण रचना है, नवीं से लेकर 12वीं तक की पुस्तक है, मेरा डिजिटल बोर्ड पे पहला दिन है इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा लिखूंगा नहीं। नवीन व्याकरण रचना जो पुस्तक है नवीं से लेकर 12वीं तक लगती है, आप उसको पढ़ें और उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक पुस्तक आती है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी नामक जो पुस्तक है उसके दो राइटर हैं, हरदेव बाहरी और केदार पांडे। जब हम बाज़ार में हरदेव बाहरी की पुस्तक लाने के लिए जाते हैं व्याकरण की, तो कई बार दुकानदार हमें एक दूसरी पुस्तक भी पकड़ा देता है जिसका नाम है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। पुस्तक वह भी बुरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सामान्य हिंदी पुस्तक ज़्यादा अच्छी है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा तक के लिए सामान्य हिंदी अच्छी पुस्तक और अच्छी संख्या में उदाहरण भी वहाँ पर दिए गए हैं, तो आप वो पुस्तक खरीद सकते हैं। इसके बाद में जनसंचार का एक थोड़ा सा पोर्शन है, मीडिया का है, सृजनात्मक लेखन है जिसमें डायरी नाटक आदि। एक बात यह भी है कि अगर आप इस वीडियो को देखें तो सिलेबस आपके हाथ में हो, पाठ्यक्रम आपके हाथ में हार्ड कॉपी हो। विद्यार्थी के पास पाठ्यक्रम वो सबसे पहले होना चाहिए, उसको पूछते भी है पाठ्यक्रम है क्या, हाँ जी मोबाइल में है। तुम्हारे पास ये कुरुक्षेत्र है क्या, हाँ जी मोबाइल में है। साकेत है क्या, हाँ जी मोबाइल में है। तो मोबाइल में सब कुछ ना होके हाथ में होना चाहिए और कम से कम सिलेबस उसके पास हार्ड कॉपी हो, उसके बाद में ये वीडियो आप देखें, थोड़ा सा मुझे लगता है आपको ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। तो सामान्य हिंदी व्याकरण और नवीन व्याकरण रचना, उसके बाद में मैं बात कर रहा था जनसंचार, जनसंचार पत्रकारिता और सृजनात्मक लेखन, ये तीन बिंदु हैं। सृजनात्मक लेखन में डायरी लेखन, नाटक लेखन आदि विधाएं आती है। इसके लिए मुझे लगता है कि आप मूलतः दो किताबों को पढ़ें तो अच्छी बात है। एक किताब अभिव्यक्ति और माध्यम जो 11वीं और 12वीं में राजस्थान बोर्ड में अभी चलती है, उस वह असल में ये जो सिलेबस बनाया गया है वो इसी किताब को देखकर बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा आप चाहें तो संवाद सेतु जो पिछले दिनों पाठ्यक्रम में थी उन दोनों किताबों को आप पढ़ सकते हैं। और इनके अलावा प्रयोजनमूलक हिंदी की कोई भी किताब, प्रयोजनमूलक हिंदी को लेकर कहीं भी गाइड आपको देखने को बाज़ार में मुश्किल से मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी जो कार्यालयी उपयोग में आती है उसको हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। एक परीक्षा में प्रश्न भी मैंने देखा कि प्रयोजनमूलक हिंदी का
या प्रयोजन मूलक भाषा का मुख्य काम क्या है, तो वो आजीविका में काम आती है, बाबू लोगों को सिखाई जाती है, वो प्रयोजन मूलक हिंदी है। तो उसकी कोई भी किताब आपको मिले, कहीं लाइब्रेरी मिले, मुझे लगता है वो ज़्यादा पूरी किताब आपके काम नहीं आएगा, कुछ उसका पार्ट आपके काम आएगा। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की कोई किताब आपको मिले तो वहाँ आपको जनसंचार, पत्रकारिता के बारे में, इन चीज़ों के बारे में मिलेगा। जहाँ तक सृजनात्मक लेखन है तो अभिव्यक्ति और माध्यम किताब अपने आप में पर्याप्त है। इसके अलावा अभी पिछले पाठ्यक्रम के दौरान उच्च माध्यमिक स्तर में काव्यशास्त्र को भी जोड़ दिया गया है। काव्यशास्त्र जिसमें रस, छंद, अलंकार आदि का विधान रहता है, काव्य गुण, काव्य दोष भी है, हालांकि काव्य दोष स्कूल व्याख्या तक के पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको समझ के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। हिंदी साहित्य में ज़्यादातर है वो सवाल है वो डेटा के पूछे जाते हैं, तथ्य के पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं गहरी समझ की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में कहीं अगर बहुत ज़्यादा समझ की आवश्यकता है, हालांकि वैसे तो बिना समझ के स्कूल व्याख्याता की भर्ती परीक्षा को क्लियर करना बहुत मुश्किल काम है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन जहाँ गहरी समझ की आवश्यकता है वो है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र आपके दो जगह पाठ्यक्रम में है, उच्च माध्यमिक स्तर में रस, छंद, अलंकार आदि है, जिसको हम आम भाषा में स्नातक स्तरीय काव्यशास्त्र कहते हैं, और स्नातकोत्तर स्तर में भारतीय सिद्धांत, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, वो भी है, उसकी बात बाद में करेंगे। ये जो पोर्शन है इसको पढ़ने के लिए अधिक से अधिक किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि एक शब्द दो बार भिन्न भिन्न अर्थों में उसकी आवृत्ति होती है, तो यहाँ यमक अलंकार होता है, यमक के दो भेद होते हैं, सभंग और अभंग। लेकिन इतना पढ़ने के बावजूद अब आवश्यकता किस चीज़ की है, क्योंकि इस पोर्शन में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक सिद्धांत के प्रश्न, दूसरे उदाहरण के प्रश्न। सिद्धांत का प्रश्न तो ये है कि यहाँ यहाँ इस प्रकार से ऐसे होने से लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती है, और उदाहरण का प्रश्न ये है कि वो आपको एक दोहा देगा और पूछेगा कौन सी शब्द शक्ति है। तो सिद्धांत के लिए तो एक किताब ही पर्याप्त है, लेकिन उदाहरण के लिए तो 10 किताब भी पर्याप्त नहीं है। तो सिद्धांतों को अच्छी तरीके से याद करें, सिद्धांत का मतलब है नियम या परिभाषाएं। सिद्धांत या नियम या परिभाषाओं को समझने के लिए अच्छी किताबें पढ़ी जा सकती है, और उदाहरण के लिए फिर अनेक किताबें पढ़ी जा सकती है। मैं असल में यह कहना चाहूँगा कि भारतीय काव्यशास्त्र के लिए सबसे पहली किताब जो खरीदनी है वो भगीरथ मिश्र का भारतीय काव्यशास्त्र है, प्रत्येक विद्यार्थी के पास होनी चाहिए, वो आपके यहाँ भी काम आएगी और वो आपके स्नातकोत्तर खंड में भी काम आएगी। भारतीय काव्यशास्त्र भगीरथ मिश्र की किताब है। एक किताब और है, अभी इन दिनों आई है, मैं उस किताब को लेकर थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जितनी गाइड टाइप किताबें आ रही है या थोड़ी सी अच्छी किताबें, हालांकि वो गाइड नहीं है, टेक्स्ट बुक के रूप में काम करेगी, लेकिन उसमें कुछ उदाहरण ठीक हैं और उदाहरणों को समझाया भी गया है, उदाहरणों की व्याख्या भी दी गई है, मुझे थोड़ी वो किताब अच्छी लगी। उस किताब का नाम है काव्यांग प्रभा। काव्यांग प्रभा यह डॉक्टर नवीन नंदवाना की किताब है। काव्यांग प्रभा डॉक्टर नवीन नंदवाना द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो इस पुस्तक को लेकर आप, असल में इसमें किस प्रकार के उदाहरण हैं और उन उदाहरणों को लेकर बातचीत की गई है, जैसे यमक अलंकार कहीं है तो फिर नीचे ये भी बताया गया कि उसमें क्यों है। तो मुझे लगता है कि काव्यांग प्रभा पढ़ने के बाद में आपको यूं लगे, अब थोड़ा सा आपको समझ बने, काव्यशास्त्र में आपकी समझ बन गई, यहाँ मैं शब्द शक्तियों का सिद्धांत को जानता हूँ, अलंकारों के सिद्धांत को जानता हूँ, और छंद तो एक ही बार पढ़ने, कहीं से पढ़ो, छंद तो गणित है। लेकिन इसके बावजूद अब बाजार में जितने भी गुटके हैं, आपके आसपास जितनी भी सामग्री उपलब्ध है, YouTube पर कोई अगर आप देखना चाहें तो, हालांकि मेरे पास अलंकारों के बहुत सारे उदाहरण, एक एक अलंकार के 50-50 उदाहरण मैंने इकट्ठे किए थे, और मेरी योजना है कि कभी मैं उनको YouTube पे डालूंगा। योजनाएं मेरे पास बहुत हैं, कारगर कितनी होती है वो देखने की चीज़ है। तो अनेक उदाहरणों के द्वारा उन सिद्धांतों की प्रैक्टिस करें। काव्य शास्त्र और व्याकरण ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास आपको परफेक्ट बनाता है। व्याकरण के बारे में मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, इतना पढ़ने के बावजूद विद्यार्थियों के व्याकरण में प्रश्न अगर गलत होते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी एक कमी रही होगी, मुझे ऐसा आइडिया है, आरोप नहीं है ये, कि वो व्याकरण पढ़ते समय शब्दों के बिना अर्थ समझे और बिना उसकी संरचना को समझे आगे बढ़ जाते हैं। आप व्याकरण का कोई भी शब्द पढ़ें, एक ही शब्द अगर कहीं पढ़ते हैं तो उस शब्द में जितनी संभावनाएं उनको एक साथ खोजें, एक बार दो बार व्याकरण के सारे टॉपिक पढ़ लें और समझ लें, और तीसरी बार जब रिवीजन करें या चौथी बार जब रिवीजन करें तब आप ये देखें कि ये शब्द है
अच्छा पढ़ रहे हैं शब्द संधि में तो समास भी देख लो, उपसर्ग भी देख लो, प्रत्यय है तो प्रत्यय भी देख लो, संज्ञा सर्वनाम जो भी देखना है वो देख लो, शब्द की जितनी परिस्थितियां, असल में शब्द के जितने संदर्भ हैं वो हमें साथ साथ देखने चाहिए। उस शब्द का अर्थ क्या है, उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में क्या बदलाव हुआ, थोड़ा सा उसके साथ एक्सरसाइज करते हुए, एक प्रकार की कसरत करते हुए उसके साथ आगे बढ़े तो व्याकरण ज़्यादा मजबूत रहता है। मेरी व्याकरण में रुचि कम है, बहुत कम मैं पढ़ाता हूँ और बहुत कम मैं पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे व्याकरण के प्रश्न ठीक ठाक हो जाते थे और मुझे लगता है कभी गलत कम ही हुए। इसकी एक वजह ये रही कि जितना पढ़ा उतना थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हिसाब से, मतलब देखते हुए कि किस में क्या है, थोड़ी उसके साथ छेड़खानी करते हुए हम पढ़ते रहते थे। तो ये ज़रूरी है व्याकरण के लिए। तो काव्य शास्त्र और व्याकरण ऐसे दो पोर्शन है जहाँ उदाहरण अधिक महत्वपूर्ण है और उदाहरण का अंत नहीं है। आप व्याकरण के नोट्स नहीं बना सकते, कहीं से भी इतने शब्द हैं हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में कहीं से भी एक शब्द उठा के वो रख सकता है। तो व्याकरण में आप इस प्रकार की बात लागू नहीं कर सकते कि मैं एक महीने में तैयार कर लूँगा, ये मैंने नोट्स बना लिए, बहुत अच्छे मेरे पास नोट्स हैं, मेरे पास भी गुरु जी आपके पास व्याकरण के नोट्स हैं क्या, कैसे बनेंगे? नियम के तो बन सकते हैं, उदाहरण के नहीं बनेंगे। खैर, हमने उच्च माध्यमिक स्तर की बात की, जो मैं बता रहा हूँ मुझे ऐसा अनुमान है या मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो मैं बता रहा हूँ मेरिट जितनी रहती है उससे अधिक प्रश्न उसमें से आ जाएंगे, 100% प्रश्न किसी मैटर में से आ जाएंगे, ये गारंटी मैं तो क्या लूँ, मुझे लगता है कोई ले नहीं सकता। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर 70% मेरिट रहती है तो 80% प्रश्न वो इस मैटर से आ जाएंगे। अब मूल बात रहती है हिंदी साहित्य का इतिहास, बड़ा पोर्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास से 55 प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब अंक विभाजन नहीं है। तो जब अंक विभाजन नहीं है तो फिर मैं भी ठीक ठीक बोलने की स्थिति में नहीं हूँ कि कितने प्रश्न आएंगे, 50 से प्लस प्रश्न आते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए कुंजी का काम करता है, चयन का मुख्य आधार है। मैं फटाफट बता देता हूँ 2-3 किताबें इसमें, एक तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा 11 और कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में शामिल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि हिंदी साहित्य के इतिहास के मैंने छायावाद तक वीडियो YouTube पर डाल रखी है, वह भी अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट से देखें। मुझे थोड़ी सी ये भी एक बात की कभी कभी दिक्कत होती है कि पूरा इस वीडियो को देखने के बाद और विद्यार्थी सीधा मुझे फ़ोन करते हैं कि कौन सी किताबें पढ़ें, आप किताबों की सूची भेज दें, जबकि हम जो बता रहे हैं उससे आप सूची बना सकते हैं। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में छायावाद तक के वीडियो मैंने उसमें YouTube चैनल पर मैंने डाल रखे हैं, उनको भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अकेले YouTube के भरोसे रहना ठीक नहीं है, इसलिए आप पुस्तकों को साथ में पढ़ें। आदिकाल, भक्तिकाल या रीतिकाल जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको, एक तो 11वीं और 12वीं का हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ सकते हैं, काम चलेगा उससे। थोड़ा सा अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग मापदंड रहता है, मुझे लगता है कि किसी भी विद्यार्थी को रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए, और डेटा के लिए आधुनिक काल के लिए विशेष रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल द्वारा संपादित है, मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि आप अगर मेरे नहीं तो किसी और के, एक बार आप YouTube से वीडियो देख लें जिससे आपको थोड़ी समझ बन जाए, उसके बाद में आप रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लें और नगेंद्र का इतिहास हरदयाल द्वारा संपादित है उसको पढ़ें, और फिर नोट्स बनाएं खुद के। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि नोट्स बिना समझ के बनेंगे नहीं। किसी भी परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक। विश्लेषणात्मक प्रश्नों को समझने के लिए हमें धारणाओं की, वहाँ जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा दिमाग में लाने की आवश्यकता होती है। अगर आप 2-3 पुस्तकों को पढ़ेंगे कंपेरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, तो आप पाएंगे कि हम थोड़ी सी समझ को प्राप्त कर रहे हैं। और जब नोट्स बनाने आप बैठेंगे तो पहले आपके दिमाग में कोई ढांचा होगा उसको लेकर, तभी आप नोट्स बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। तो इन 3 पुस्तकों से पढ़ें और खुद के नोट्स बनाएं जहाँ तक संभव हो सके। तो हिंदी साहित्य के इतिहास बड़ा पोर्शन है, किताबें भी कम बड़ी नहीं है, बहुत अच्छी किताबें, और लगातार थोड़ा थोड़ा धैर्य के साथ, शुरुआत में इसमें आदिकाल आता है जो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी को परेशान करता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा धैर्य के साथ आगे बढ़ें, हिंदी साहित्य का इतिहास आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है स्नातकोत्तर स्तर की। स्नातकोत्तर स्तर में हम देखते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र भी है और पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी है। भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र को पढ़ने के लिए, एक तो मैंने बताया था भगीरथ मिश्र का काव्यशास्त्र,
भारतीय काव्य शास्त्र आपको मिलेगा। और इसके अलावा एक किताब आती है रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित है। रीति काव्य की भूमिका असल में रीति काल के बारे में बात करती है, लेकिन यहाँ एक पाठ है उसमें रीति काव्य के शास्त्रीय आधार, वो एक पाठ आपको भारतीय काव्य शास्त्र के 6 सिद्धांतों के बारे में पुख्ता जानकारी देता है। बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी मेरे पास हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। बहुत मुझे लगता है बहुत छोटा पोर्शन है। पहले तो पीजी पोर्शन से 10 प्रश्न आते थे, और 10 प्रश्न के लिए बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी किताबें बनाना अपने आप में बड़ा एकदम हिचक महसूस होती है। मुझे लगता है मैं खुद नहीं पढ़ूंगा। तो आप रीति काव्य की भूमिका से या भारतीय काव्य शास्त्र से एक जगह से पढ़ लें अच्छी तरीके से, और मूल मूल बातों को थोड़ा सा याद रखें। यहाँ आपको किसी शिक्षक की भी आवश्यकता पड़ सकती है। मुझे लगता है कि पीजी पोर्शन काव्य शास्त्र हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा सा अगर हो सकें तो किसी साथी से सीनियर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। बहुत ज़्यादा समझने वाली बातें तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा कोई बताने वाला हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने कोशिश की थी, मेरा ये प्रयास था पिछली बार जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा मैं पूरा पाठ्यक्रम हिंदी का करवाऊंगा, लेकिन सब चीज़ें अपने बस की होती नहीं है। इसके अलावा पाश्चात्य काव्य शास्त्र के भी कुछ सिद्धांत उसमें लागू हैं। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए चाहें तो आप देवेंद्रनाथ शर्मा को पढ़ लें, और चाहे सत्यदेव मिश्र की एक पुस्तक आती है, सत्यदेव मिश्र पाश्चात्य काव्य शास्त्र अधुनातन संदर्भ, इस किताब का नाम है पाश्चात्य काव्य शास्त्र अधुनातन संदर्भ, ये पुस्तक थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आपको यह किताब मुश्किल लगती है तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर देवेंद्रनाथ शर्मा की एक पुस्तक आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। कुछ रचनाएं इसमें साकेत हैं, कबीर हैं, बिहारी हैं, उसके लिए मुझे लगता है कोई गाइड खरीद लें, क्योंकि मूल पुस्तकें हालांकि खरीदिए तो अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न बहुत कम आते हैं। कहानियाँ हैं तो कहानियाँ तो इंटरनेट से पढ़ें। अच्छा, ये जो रचनाएँ हैं आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। स्कूल व्याख्याता की परीक्षा की तैयारी कहाँ से प्रारंभ करें, तो 4 कहानियाँ तो सबसे पहले उनको पढ़ो, उनकी समरी नोट करो, कविता पढ़ो, जितनी समझ में आती है उतनी पढ़ो, बार बार पढ़ो, है ना, कोई शब्दार्थ है वो नोट कर लो, तो इसकी आप समरी बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आप उनको रिवीजन नहीं कर पाते। अगर आप कागज़ पे आपने उनके बारे में 5-10 पेज लिखा है रचनाओं के बारे में, तो अंत समय में आपको बहुत अच्छे से वो काम आती है। खुद के बनाने नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, खुद के बनाए हुए नोट्स भी क्या है कि हमें रिविजन करने में काम आते हैं। हमने इतनी जो सामग्री की है, मुझे लगता है मुझे एक वीडियो और बनाना चाहिए, ये तो सामग्री है, तैयारी कैसे करें इसके लिए मुझे लगता है फिर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि वो 20-30 मिनट की एक चर्चा है और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर हम प्रोसेस या प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो फिर 100% सिलेक्शन होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, हालांकि मुझे ऐसे टैग और ऐसे शीर्षक से बड़ी एक मतलब परहेज है, 100% सफलता पाने के लिए तैयारी कैसे करें, ऐसे एक मैंने वीडियो बनाया था। मैं उस योजना में सुधार करते हुए थोड़ा सा, क्योंकि मैं विद्यार्थियों के संपर्क में रहता हूँ तो बार बार देखता रहता हूँ, और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे प्रयोग किए हैं, तो मेरा जांचा परखा एक प्रोसेस है, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करूँगा। पाठ्यक्रम के लिए इतनी पुस्तकें मुझे लगता है पर्याप्त है। इन पुस्तकों को कैसे पढ़ना है, किस प्रकार की तैयारी करनी है, नोट्स कैसे तैयार करने हैं, क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, एक वीडियो मैं फिर से बना दूँगा, ताकि ये थोड़ा लंबा नहीं हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।